अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। जैसा कि मेरा तो नहीं खिलर गया जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कल ग्रोसरी सारी कर ली हुई थी, तो अब जो सामान वगैरह है उसको समेटना है। कल नहीं थी, गई पिछले व्लॉग में गई थी। छुट्टी छुट्टी सारा सिस्टम आगे पीछे हुआ पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि मसरूफियत इतनी होती है घर में, ईद हो या फिर रमजान आने वाला हो, माशाल्लाह इतनी तैयारियां होती हैं करने वाली, तो हमारा टाइम नहीं था लग रहा, इसलिए हमारे ब्लॉग भी कुछ लेट हुए हैं। टाइम तो आगे पीछे हो गया तो लेकिन ना ये है कि रमजान का रोज का सिस्टम रोज रोज का चलेगा, तो कोशिश भी यही करेंगे कि रोज रोज की जो है ना व्लॉग आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते रहें और आप लोग भी देखते रहें। तो यहाँ पे ना ये कोरिएंडर और ये है क्यूमन सीड्स, मतलब तू जरूर इंग्लिश जीरा और ये जो सूखा धनिया, इनको मैंने ना ड्राई रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद इसको मैंने ना पीस लेना है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है किसी भी चीज में, किसी भी रेसिपी में डालें, किसी भी हांडी में डालें, तो ना इसका बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप लोगों ने, बहुत लोग ट्राई करते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप लोग लाजमी करके देखना, बहुत अच्छा इसका टेस्ट फ्लेवर आता है। मैं करके इसको रख लेती होती हूँ, तो ये तो रमजान है तो स्पेशली हर चीज दोबारा से करनी है, तो इस वजह से मैं इसको करके रख रही हूँ। और जब तक मैंने ये कर लिया वजीरा, मैंने अब ये कर रही हूँ, इस करने के बाद ये दोनों फिर जब ठंडे हो जाएंगे तो इसको मैं ड्राई करके इन जार में डाल दूंगी। ऑलरेडी नाम लिखे थे उतार दिए तुमने? नहीं नहीं, नाम लिखे हुए हमारे खत्म हो गए थे, इसको रीफिल कर लेना बना के, उसको वो जो मशीन नहीं होती ये वाली चीजें करने वाली, हाँ मसाला पीसने वाली मशीन है ना, उसमें कर लेना। तो इसको ना हल्की आंच पे करना है, ये नहीं होगा पांबड़ चला के आपने इसको फटाफट से इसको डार कर लेना है। हाँ हल्की सी आंच पे ना इसको भूनना है कि इसकी ना अच्छी प्यारी से खुशबू आने लग जाए, हल्का हल्का ब्राउन होने लग जाए, तो फिर बस चल अभी इसको अब जल्दी से जादू के साथ ना पीस लेते हैं। कैसा लगा हमारा जादू? मैंने कहा वैसे भी आपने मशीन की आवाज से इरिटेट ही होना, तो कोई नहीं जादू से आपको ना ये ग्राइंड करके दिखा देते हैं। तो अब ये इन डिब्बों में फिल करने लगी है। टाइम हमारे पास कम है और काम हमारे ज्यादा है। अब वैसे तो लोग आपको पता नहीं कब मिलता है, लेकिन अब हमारे पास कल का सिर्फ दिन है, तो अब देखते हैं क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं, मतलब हम लोग क्या क्या कर पाते हैं एक दिन में। बिजारी बात है आप लोगों के साथ भी शेयर करें, तू चुप कर जा। हम ऐसे करते मैं भी करते साथ खड़ी हूँ तुम्हारे बराबर, बराबर खड़ी हूँ, खड़ी हो तू। अच्छा तो जो ये मेन ब्लॉग था ना, वैसे तो प्रेपरेशन का था जो रमजान की प्रेप्स करते हैं, लेकिन इसमें जो एक रेसिपी आपको देखने को मिलेगी वो होगी चाट की चटनी, जो हमने पिछले रमजान में भी शेयर की थी। लेकिन अब मैंने कहा कि आप लोग क्या पीछे जाकर देखेंगे, तो मैं अब भी तो बनाएंगे ना, तो फिर आप लोगों के साथ अभी शेयर कर लेते हैं। तो ये खजूर है, इसकी गुठलियां निकाल के तो उसको ना भिगो दिया है। कितनी है ये तीनों जो चीजें ना, वो हम वजन लेनी है, तो मैंने ना आधा आधा किलो ले लिया, इससे फिर ना आधा रमजान तो गुजर ही जाता है। हाँ तो ये थी खजूर और हाँ। दूसरी चीज है ये खुबानी, खुबानी है, तो इसको भी मैंने ना ऐसे ही धो के ना इसको, इसके अंदर भी गुठली थी, इसके अंदर कौन से गुठली? अच्छा सॉरी, इसको सिर्फ पानी में धोया, इसको पता, हाँ वही नहीं पता सामने, ये है। उसके बाद ये इमली है, तो इसको भी मैंने भिगो दिया था, इसकी जो गुठलियां हैं बस को सुबह उसको बाद में निकालना है, इसको भिगो दिया बस। हाँ तो इसमें इसके अलावा आप लोग इसकी रेसिपी के अलावा वैसे हम लोगों ने जो रमजान की तैयारी है उसमें समोसियां और रोल भी बना के रखने हैं, तो वो अब कल का एक दिन रह गया, अब इस व्लॉग के हिसाब से तो वो हो सके तो वो भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसी व्लॉग में। और साथ ही ये जो है ना चाट के लिए ना, ये चने मैंने बॉईल कर लिए हैं 1 kg, तो इसको मैं छोटे छोटे पैकेट बना के रख लूंगी, फ्रीज कर लूंगी, ताकि रोज एक निकाल के मैं डाल लूँ। हाँ हमसे नहीं बार वक्त होते। हाँ तो हम फ्रीज कर लेते हैं, रोज का एक पैकेट निकालना है, उसको हल्का सा पानी में डालना है तो वो सारे खुर जाते हैं, तो उसको फिर हम चाट में डाल लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये मुरब्बे, दो कलर के, ग्रीन और रेड, टूटी फ्रूटी मुरब्बे जो भी है, ये हम लोग यूज करते हैं चाट के अंदर, तो ये इसके बड़े बड़े पीसेस होते हैं लेकिन वो फिर अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए इसको बारीक बारीक काट लिया है, काट के अब इसको भी किसी बॉक्स में डाल के, तो हाँ ये वाला बॉक्स खाली किया इसने, इसमें डाल के तो फिर इसको ना फ्रिज में रख लेना है और फिर रोज की चाट के ऊपर डाल लेना है थोड़े थोड़े निकाल के। एक रात भिगोने की बात चले जी, अब अगला दिन हो गया है, बल्कि अगले दिन की भी शाम हो गई है, तो हमारा दिन बड़ा बिजी गुजरा है, उसका अलग से व्लॉग बनाया वो भी शेयर कर दूंगी आप लोगों से। हम लोग बाहर गए थे, थोड़ा सा काम था, तो ये जो रात को सारी तीनों चीजें भिगोई थी ना उसकी चाट की चटनी के लिए, तो उनको ना अब इसने ग्राइंड किया, ये दोनों कर लिया, नहीं वो कुर्बानियां की है मैंने सिर्फ, तो ये खजूर है, हमारी हांडी सड़ गई, खजूर है, और इसके बाद एक और चीज करनी है, इधर पता नहीं हांडी क्या रखी हुई है, आलू अंडे आज बनने हैं,
तो ये चीजें एक ग्राइंड कर लिया, एक कर रही है, तीनों ग्राइंड करके ना इसके अंदर डाल देनी है। फिर अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अब ये शर्ट शर्ट होने लगा है जी। अब तीनों चीजें ग्राइंड करके इस पतीले के अंदर डाल दी है। हमारा दूसरा बड़ा पतीला इससे वो मिल नहीं रहा था तो इसी में डाल के रख दिया। पानी ऑलरेडी उन चीजों में था, थोड़ा सा खुद ऐड कर दिया। अब इसको पकने के लिए रख देना। उसके बाद जो हमने ये रात को भिगो के रखे थे ना चने, उसको सुबह बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद अब इसके भी हमने इस तरह से पैकेट बना बना के रख लेने हैं अपनी चार्ट के हिसाब से। और फिर फ्रीज कर लेना इनको रोज ना, एक पैकेट निकाल के और फिर ये रोज की चार्ट में यूज कर लेना। चलें जी, अब ये पक पक के ना इतनी रह गई है और ना ऊपर तक भरी हुई थी। अब इसमें टाइम आ जाता है स्पाइसेस डालने का, तो वो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डालना। हाँ, मैंने ना इसमें ये याद नहीं रहा मुझको बताने का, मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला था, रेड ऑरेंज। ओके, उसके बाद नमक इसमें और लाल मिर्च, इसमें ये काली मिर्च और इसमें रेड क्रश पेपर, ठीक है। इसमें ये डाल देना है। मीठा करने के लिए इसमें मैंने ना, लोग चीनी भी डालते हैं लेकिन हमारे घर में ये है कि चलो मम्मी अब्बू को डायबिटीज है तो वो लोग भी खा लेते हैं, सुनते ना ये शक्कर यूज कर लेते हैं। यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो मीठा ही करना होता है। इमली की वजह से खट्टी होती है ना, तो ये मीठा डाल के खट्टी मीठी सी बन जाती है, बड़ी मजे की चटनी बनती है। तो हमारे जो है वो डेली बेसिस पे रमजान में चाट खाई जाती है, तो इसलिए फिर हम ये बना के रखते हैं। एक बार नहीं, अगर बीच में खत्म भी हो जाए ना 15-20 रोजों के बाद, तो फिर हम एक बार दोबारा भी बना लेते हैं। और इसको ये करना है कि इसको आपने ना फ्रीजर में रखना है, फ्रिज में नहीं, मतलब बर्फ वाली जगह पे रखना है, क्योंकि ये जमेगी नहीं। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे रखेंगे तो ये खराब जरूर हो जाएगी, बुलबुले मरेंगे। हाँ, खराब हो जाती है। तो चले जी, सारी चीजें मिक्स करके अभी भी इसको थोड़ी देर पक लेने देना है। अभी ये ना पतली है थोड़ी सी, साथ में बन रहा था अम्मी के लिए दलिया। तो क्या हुआ, हाँ, इन्होंने ढक्कन ना उसका उठाया हुआ था और ये पक रही थी, इतना ज्यादा उसका बुलबुला था और एक उसका जो पटाखे थे ना वो इसमें चले गए। तो हाँ, हमें ऐसा लगता है कि इसमें इसका ही छींटा पड़ा है कि दलिया जो है ना दूध डाला हुआ था वो खराब हो गया, फूट गया सारा दूध, तो दोबारा से दलिया रखा है अम्मी के लिए। चले जी, ये हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। अब ये देख सकते हैं कि इतर तक भरा हुआ था, नीचे तक चला गया है, हाफ से थोड़ा ज्यादा ही है। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो पक के इतनी हो जाती है ठीक। ये जी चटनी बन के हमारी रेडी हो गई है। और दूसरी तरफ क्या आ रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। साइड तो ये कुड़ी हो, आज हम लोग जरा थके हुए थे तो ना, हम लोग लेकर आए थे ग्रोसरी की थी ना, तो वहां से एवरीडे का ना कड़क चाय का वो साशे हम लोगों ने लिए थे, तो हमने कहा कि वो बना के पीते हैं, ट्राई करते हैं, तो इसलिए हमने साशे लिए थे दो तीन। वो हमने बनाई है तो कड़वी ही इतनी बनी है कि ना मतलब पी नहीं जा रही। तो फिर हमने कहा जो दूसरा एवरीडे है ना सही वाला, वो इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऐड कर लेते हैं, तो वेस्ट तो नहीं करेंगे।